हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग अपना लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, और यही हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए, गुड मॉर्निंग विजित्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग देखने वाले हैं, एक जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस वैल्यू को हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे और किस वैल्यू को हम लोग राइट साइड लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेंस ले लेते हैं, एक सपोज हम लोगों ने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, और याद रखिएगा ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक। तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की जितनी डिस्टेंस लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, सॉरी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इधर साइड की जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब क्या होंगी? पॉजिटिव डिस्टेंस होंगी। तो रिमेंबर दैट लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। और हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो हमेशा कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज वी पुट इट इन अ लेफ्ट हैंड साइड। और लास्ट सेशन में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग का जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में छह कंडीशन होती है। जो हम लोग का लास्ट कंडीशन होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को विदिन पोल एंड विदिन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखते हैं, तो उस कंडीशन में इमेज क्या बनता है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनता है। तो उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के कंडीशन, कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज क्या बनता है? वर्चुअल। जिस कंडीशन में इमेज वर्चुअल बनेगा उस कंडीशन हम लोग क्या लेंगे? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। और कॉन्केव में दो ही कंडीशन होती थी, और उन दोनों कंडीशन में ही वर्चुअल इमेज बनता था, और वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में बनता था। तो उसको भी हम लोग क्या लेंगे? इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। बाकी सभी जितनी भी कंडीशन है कॉन्वेक्स के लिए 1 से लेकर 5 तक, मतलब ऑप्टिक जब इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा था, और ऑब्जेक्ट जब तक इन्फिनिटी से फोकस की, इन्फिनिटी और फोकस में इनमें 5 कंडीशन होती है, उस 5 कंडीशन में हम लोगों का इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा इमेज राइट हैंड साइड बनती है, और वो क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। गुड मॉर्निंग अनु, ठीक। तो ये हो गया, और उसके बाद एक चीज याद रखना है, फिर से सिमिलर टू मिरर, मिरर जैसे हम लोग मिरर में देखे थे कि ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा? वैल्यू उसकी क्या लेंगे? पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्ड तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर से डाउनवर्ड आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो ये हम लोगों का मेनली क्या होता है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है, जहां पर ऑप्टिकल सभी ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जितनी मेजर हम लोग डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आने पर वैल्यूज क्या होंगे? नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड जाने पर वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाने पर वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आने पर वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव। तो यही हम लोगों का कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है, किसके लिए? लेंथ के लिए। जैसे मिरर के लिए होता है वैसा सिमिलर हर एक चीज लेंस के लिए, तो बस वहां पर पोल होता है और यहाँ पर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो नेक्स्ट तो यही था, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जानता, क्योंकि हम लोग पहले ही मिरर में देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? मिरर फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो व्हेन वी रिलेट फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, तो उस इन तीनों को रिलेट करने वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला। ना लेंस के फोकल लेंथ,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करने से जो एक रिलेशन बनता है, इन तीनों वैल्यूज के बीच में जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो इसी लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। बहुत ही मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, क्या कि यहाँ पर बीच में केवल माइनस का साइन आ जाता है। हम लोग मिरर फॉर्मूला जब देखेंगे तो वहां पर क्या था, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। बट लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो ये हम लोगों का रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो इसको डिराइव करना आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, केवल क्या है, फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हम लोगों का नेक्स्ट क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस भी क्या होगा, मिरर के जैसे होगा। वहां पर क्या था, मिरर में हम लोग देखे थे कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। यहाँ पर भी क्या होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होगा। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, राइट इज एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अगर सेंटीमीटर में है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेंटीमीटर में, तो वहां पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वहां पर कोई भी वहां पर उसकी यूनिट नहीं होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, बिकॉज दोनों ये मीटर में है तो नीचे वाला भी मीटर में होगा, ऑब्वियसली बात है। और अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर में तो नीचे वाला क्या होगा, सेंटीमीटर में। अगर एक मीटर है एक सेंटीमीटर में, तो हम लोग वहां पर उनको वैल्यू को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक। तो ये हम लोगों का रिलेशन आ गया डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे से कट जाएगी, वहां पर रिजल्टेंट कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, ठीक। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, द रेशियो और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ लेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो हम लोगों का मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस भी क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक और रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के लिए, यहाँ पर ये होता है, अगर हम लोग ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस हम लोगों ने क्या किया, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस निकाल लिया। बट यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस किसके बेसिस पर होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पर। अगर वहां पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, और वहां पर पूछता है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होगा, तो हम लोग को मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। बट हम लोग इसको इमेज और ऑब्जेक्ट के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इंप्लाइज दैट वी अपॉन यू, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है वी अपॉन यू। ये भी हम लोगों का क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए। एक चीज याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर वी अपॉन यू, तो एम के लिए हम लोग रिलेशन है, तो एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक रिलेशन है, और एम इक्वल टू वी अपॉन यू है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन यू। तो ये हम लोगों का बन गया। अब यहां से मैं एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसको देखकर आप मैग्निफिकेशन का साइन देखकर बता सकते हैं कि वहां पर वैल्यूज, वहां पर इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो चले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। व्हेन हम लोग मेनली पांच कंडीशन पढ़े कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जब इमेज क्या बनता है, रियल बनता है। तो व्हेन इमेज इज रियल, व्हेन इमेज इज रियल,
इमेज रियल होगा। उस कंडीशन में हमेशा ये अगर हम लोग का लेंस है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज हमेशा किधर बनता था, राइट हैंड साइड बनता था। तो व्हेन इमेज इज रियल वैल्यू ऑफ बी, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, जब इमेज रियल था तो हमेशा इमेज जब रियल बन रहा था तब वो हमेशा राइट हैंड साइड में बन रहा था, ठीक। तो वहां पर इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर क्या होगा, हम लोग वैल्यूज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। तो v इज इक्वल टू v आ जाएगा, बट u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू। तो यहाँ पर m मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इफ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या रही है, नेगेटिव आ रही है, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, और रियल इमेज क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें व्हेन इमेज इज वर्चुअल, हम लोग देखें व्हेन इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए तीन कंडीशन है, एक कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, दो कंडीशन किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए। बट उन दोनों ही कंडीशन में हम लोग का जो इमेज बनता है, हम लोग का इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है ना, वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है। तो उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू अपॉन माइनस वी, एक दोनों ये दोनों अपॉन वी माइनस वी अपॉन माइनस यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अगर हम लोग कभी भी अगर क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड राइट द नेचर ऑफ इमेज, तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, और जब भी मैग्निफिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन में इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो आप लोग यहां पर समझ गए होंगे हम लोग कैसे मैग्निफिकेशन को देखकर, मैग्निफिकेशन के साइन को देखकर, ऑब्वियसली बात है मैग्निफिकेशन के साइन को देखकर, वो चाहे हाइट ऑफ इमेज को रिलेट करे, चाहे हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेशन में नेगेटिव आए, या चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस के रिलेशन में नेगेटिव आए, हमेशा क्या होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है, हमेशा अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा रियल इमेज होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो वर्चुअल। अगर हाइट ऑफ इमेज, तो हम लोग देखते हैं कि जब इमेज रियल बनता है तो हमेशा नीचे बनता है, हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता है, और m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ठीक। बट यहाँ पर इमेज क्या बना, अगेन इमेज इज रियल, तो इमेज नीचे साइड बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव ही आएगी। बट वर्चुअल का कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज का हाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर साइड होता है, वहां पर वर्चुअल में इमेज हमेशा क्या बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड बनता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव है, तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू वो भी पॉजिटिव आएगी, व्हेन इमेज क्या है, वर्चुअल है, ठीक। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ लेंथ, हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है। लेट्स सी पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ
जैसे फोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो अगर हम लोग को पूछता है कभी तो हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद वन अपॉन एफ ना हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू आर या आर सॉरी वी डिनोटेड डिनोटेड बाई कैपिटल पी। पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर फॉर्मूला लिखे तो पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। पी इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन एफ। ये क्या होता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। तो पी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ। एसआई यूनिट क्या होता है इसका डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होता है डायोप्टर होता है। बट उसके पहले थोड़ा सवाल बता देता हूं। तो वन अपॉन एफ क्या होगा जब फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होगा इन मीटर। सपोज क्या है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 2 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 2 मीटर। एफ इज इक्वल टू देन पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू। वन अपॉन टू। बट अगर पी इज इक्वल टू होता है वन अप हंड्रेड अपॉन एफ। हंड्रेड अपॉन एफ जब फोकल लेंथ क्या होता है इन सेंटीमीटर। मतलब वहां पर क्वेश्चन में है कि इफ द पावर ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर सॉरी इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वन नहीं लेंगे बल्कि लेंगे 100 अपॉन 20। याद रखिएगा अगर फोकल लेंथ मीटर में है क्वेश्चन में फोकल लेंथ मीटर में प्रोवाइड कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन एफ। ठीक, बट इफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर वहां पर जो हम लोग को फोकल लेंथ प्रोवाइड करा वो क्या है सेंटीमीटर में है तो उस कंडीशन में पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 100 अपॉन एफ। ठीक, 1 अपॉन एफ नहीं लेंगे तो वहां पर आप लोगों का वैल्यू हमेशा गलत आएगा। तो ये हो गया पावर ऑफ लेंथ मीटर और सेंटीमीटर में दो अलग अलग वैल्यूज होती है। ठीक, अब एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट क्या होता है तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होता है डायोप्टर होता है इसका जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डायोप्टर होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो रिमेंबर एक डायरेक्ट एसआई यूनिट भी क्या करता है पूछता है। तो इफ अब यहां पर देखिएगा कि पावर ऑफ लेंस जब फोकस की फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। जब फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी तो पी अपॉन वन अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक, और इफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन पॉजिटिव फोकल लेंथ। पॉजिटिव नेगेटिव मैं क्या लिखा हूं अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया हुआ वहां पर तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उस कंडीशन में पावर ऑफ लेंस क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये देखिए तो अगर पावर ऑफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्यों क्योंकि ये हम लोगों का लेंस है तो उसके लिए हमेशा हम लोगों की जो पैरेलल रेज आती है वो राइट हैंड साइड में फोकस से होकर जाती है। ठीक, तो उस कंडीशन हम लोग ये वैल्यू को क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। बट जो हम लोगों का कॉनकेव लेंस होता है फॉर कॉनकेव लेंस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू होता है नेगेटिव। जिस लोग वो आप लोगों को समझ में आएगा हम लोग आप लोग पीछे वाला वीडियो देखे जहां पर हम लोग क्या देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। उस कंडीशन में हमेशा ऐसे रेज क्या हो जाती है डाइवर्स हो जाती है और हम लोगों को वो लेफ्ट हैंड साइड वाले फोकस से होकर जाते हुए दिखाई देती है। इसके लिए हम लोग हमेशा फोकस क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं।
तो यहाँ पर पावर ऑफ फॉर, अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आता है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर पावर ऑफ लेंस नेगेटिव आता है तो वहां पर क्या होगा, कॉनकेव लेंस। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू नेगेटिव, देन ये क्या होगा, कौन सा होगा हम लोग का, कॉनकेव लेंस। अगर पावर ऑफ लेंस क्या है, नेगेटिव, सिमिलरली वन अपॉन पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। देन पावर ऑफ वहां पर जो लेंस होगा, जो लेंस यूज कर रहे हैं जिसका हम लोग पावर फाइंड कर रहे हैं वो कौन सा होगा, कॉनवेक्स लेंस होगा। तो रिमेंबर दैट अगर पावर ऑफ लेंस का आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वो लेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, कॉनवेक्स लेंस होगा। तो यहाँ पर हम लोग पावर ऑफ लेंस देखकर भी बता सकते हैं वहां पर लेंस कैसा है, कौन सा लेंस है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक और आता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, अगर हम लोग ने ढेर सारे लेंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, अगर हम लोगों ने दो तीन लेंस लिया उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो उस टाइम पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। देख लेते हैं कि ये हम लोगों का एक लेंस है, यहाँ पर सिमिलर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे लेंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर, यहां से इसके साथ कंबाइन कर दिया ऐसे, ठीक। यहाँ पर हम लोग तीसरे लेंस को भी क्या कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। इसी तरह हम लोग ढेर सारे लेंस को कंबाइन कर दे रहे हैं। अब बोलता है कि इन लेंस के कॉम्बिनेशन से, इन लेंस के कॉम्बिनेशन से जो नया लेंस, जो नया पावर होगा, भाई इसका कुछ पावर होगा सपोज P1, इसका कुछ पावर होगा P2, इसका कुछ पावर होगा P3, तो पूछ सकता है कि फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, मतलब इन लेंस के कॉम्बिनेशन से जो नई पावर ऑफ लेंस बना या इन लोगों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू टाइप के लेंस की प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसका पावर अलग होगा, उन तीनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अलग होगा, तो उसके कंडीशन में क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल लेंस लेंस के पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब जितने लेंस हो गए, यहां पर तीन लेंस है तो P1 P2 P3, चार लेंस हो गए तो P1 P2 P3 प्लस P4, ठीक। तो जितने लेंस होंगे उनका सबका अपना अपना पावर होगा। अगर पावर नहीं दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पर पावर, हम लोग फोकस और पावर के बीच में क्या देख चुके हैं, फोकल लेंथ और पावर के बीच में रिलेशन देख चुके हैं। तो हम लोग वहां से उसका क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे, और पावर निकालने के बाद फिर इसमें पुट करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस निकल आएगा। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हम लोग का नया चैप्टर होगा। तो आज से हम लोग का लाइट जो मेन था, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन, कंप्लीट हो गया है। तो सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक, पावर ऑफ लेंस समझ में आ गया होगा। अतः अगर हम लोग दो तीन लेंस को कंबाइन करते हैं तो वहां पर पावर अलग होती है, उन तीनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो होप सो यू गाइस आर अंडरस्टैंड। तो किसी को डाउट यहां पर, तो ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। तो लेट्स, अब हम लोग बाद में पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पर हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज़।